हाय गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी इस टाइम नोएडा में, और आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं हम द ग्रैंड वेनिस मॉल, यानी कि जो बना है एकदम इटालियन थीम पे और एकदम वेनिस सिटी जैसा दिखता है ये मॉल। तो इसमें सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बाकी फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस वीडियो में कि टिकट टाइमिंग लोकेशन क्या रहने वाला है और इस मॉल में क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या प्ले जोन है, फूड कोर्ट कैसा है, बाकी क्या क्या आप यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं आके। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पहुँचोगे कैसे? यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो है वो पड़ेगा आपको परीचौक, और गेट नंबर दो से निकलना होगा। और यहाँ से निकलने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, जो कि आपको शेयरिंग में 20-20 रुपए लेकर छोड़ देंगे वेनिस मॉल तक, और यहीं पर उतार देंगे मेट्रो से आके, और यहीं से आपको मेट्रो तक के ऑटो वापस मिलेंगे। अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो यहाँ पर पार्किंग भी है, और पार्किंग का क्या रहने वाला है तो चलिए पार्किंग में चलते हैं। और वहाँ की पार्किंग टू व्हीलर के रहने वाले हैं 30 रुपीज़ 12 घंटे के, और फोर व्हीलर के रहने वाले हैं 70 रुपीज़ 70 रुपये 12 घंटे के। बाकी आप पार्किंग देख सकते हो, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। ये जो मॉल है पूरा वेनिस थीम, यानी कि जो इटालियन थीम है उसके ऊपर बनाया गया था 2015 में। बाकी इसकी एंट्री पे आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंटेन बनाया गया है, और इस तरह से ऊपर जाने के लिए एक एंट्री ऊपर से है, ग्रैंड एंट्री, ऊपर गाड़ी भी जा सकती है। बाकी यहाँ से भी एंट्री है सामने से स्टेयर से, और साइड में यहाँ से जाके ऊपर गाड़ी घूम के चली जाती है। तो फाइनली अब करते हैं यहाँ से एंट्री। एंट्री करने के लिए सामने हम एस्केलेटर से भी जा सकते हैं ऊपर, लेकिन मैं आपको लेके जाऊँगा स्टेयर से, जहाँ से आपको एकदम ग्रैंड एंट्री देखने को मिलेगी। तो आइए हम अंदर चलते हैं। अभी मैं बाहर जीने से ऊपर जा रहा हूँ ताकि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। द ग्रैंड वेनिस मॉल, मंडे फ्राइडे 100 रुपये और सैटरडे संडे आपका 150 रुपये रहने वाला है, अगर आपको अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है इस कॉरिडोर में। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और एंट्री करते हैं। तो भाई, मैंने कर ली है एंट्री, और जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे एंट्री करने के बाद में, 2200, मतलब एकदम ना दिल खुश हो जाएगा। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्या बनाया हुआ है। ये देखो इसका आर्किटेक्चर एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। इसकी सीलिंग का डिज़ाइन देखो किस तरह का है। स्ट्रक्चर है वो एकदम रोम थीम पे बना हुआ है, एकदम वेनिश, तो एकदम आपको आउट ऑफ कंट्री वाला फील आने वाला है। मेन फोकस पॉइंट है वो है गंडोला राइड, जो कि एक रिवर टाइप है और उसके बीच में बोट से राइड होती है। वेनिस मॉल का ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पे जो मेरे को देखने को मिला है वो मोस्टली सारे ब्रांड है नीचे, और जो गंडोला राइड है वो भी नीचे ही है, और जो बाकी एक्टिविटी एरिया है वो सबसे ऊपर है। तो 4 फ्लोर है यहाँ के मॉल में। तो अभी मैं हूँ इस टाइम ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर को मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ कैसा यहाँ का माहौल है और क्या क्या है। बाकी यहाँ का आप स्ट्रक्चर देखो किस तरह से बनाया हुआ है, ये जो जिस तरह से एकदम वेनिस सिटी आप जब सर्च करोगे गूगल पे आपको पता भी होगा, तो सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉपी किया गया है।
ये देखिए किस तरह का, जो यहाँ की विंडो है और जो यहाँ की आर्चेज वगैरह है वो देख सकते हो किस तरह की है। बाकी सेंटर में यहाँ पे पियानो है, ये भी प्ले करते हैं बीच बीच में कभी कभी। और ये स्ट्रक्चर देखिए आप कितना खूबसूरत है, यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटोशूट कराते हैं। ये देखिए इसमें आप ऊपर जा सकते हो जीने से, और यहाँ पे सामने जो भीड़ लग रही है वो मेन चीज़ है यहाँ की जो गंडोला राइड। मज़ा आ रहा है एकदम। और ये जो एरिया है सारा, ये यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है, वहाँ से गंडोला राइड की एंट्री है, ये है गंडोला है एंट्री। तो यहाँ से इस तरह से आपको बैठना है और ये इस बोट को राइड करेंगे, चार लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। बाकी ये जो बोट है ये मोटराइज बोट है, और ये जो हैंडल ले रहे हैं आप हाथ में, ये जो डंडा सा ले रखा है ये डायरेक्शन के लिए है ओनली, मोटर इसके नीचे लगा हुआ है। तो इस तरह की राइड आप भी कर सकते हो। बाकी प्राइस जो है वो अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले आप पूरी राइड का मज़ा लो। ये देखिए तो दोस्तों जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, ये जो गंडोला राइड है ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो रहेगा आपका वीक डेज़ में रहेगा आपका प्राइस 300 पर पर्सन, और बाकी जो आपका वीकेंड है वीकेंड में रहने वाला है 400 रुपये, यानी कि 1% का। और जो पूरा चक्कर रहेगा वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो अभी लोग बैठ रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से पूरा स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद में इधर से पूरा आगे तक जाएंगे और फिर वापस वहाँ से रिटर्न होके फिर यहीं पे लाके आपको ड्रॉप कर देंगे। तो ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन। बाकी जो यहाँ का एटमोसफेयर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो एकदम ठंडा एनवायरनमेंट है, बिल्कुल कूलिंग परफेक्ट कर रखी है इन लोगों ने। और इस राइड को अगर आप आते हो तो यहाँ पे ये ज़रूर मज़ा करिएगा। बाकी ये जो बनाया हुआ है वेनिश में, क्या होता है जो सिटी है मतलब जो कंट्री है वेनिश, वहाँ पे क्या है कि बिल्डिंगों के बीच में ना नहर है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वो इसी तरह से नहर से ही नाव से जाते हैं। तो उसी थीम पर ये जो मॉल बनाया हुआ है उसी थीम पर बनाया हुआ है, और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे इस चीज़ का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि वेनिस जाना ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए पॉसिबल है। तो इस टाइप का जो एक एनवायरनमेंट फील है, जो मतलब कैसा फील होता है, वो आप यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और ये आगे तक जाएगा बंदा इसको लेके, और साथ में क्या है कि ये ना यहाँ पे सॉन्ग भी गाता रहता है एक वेनिश थीम का थोड़ा सा। बाकी जो एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है दो लफ्ज़ों की दिल की कहानी, तो वो भी ये यहाँ पे उसको कभी कभी प्ले करते हैं। अगर आप वेनिश मॉल आए हैं और आपका मन बन जाता है मूवी देखने के लिए, तो आप यहाँ पे मूवी भी देख सकते हैं। आपको थर्ड फ्लोर पे आना होगा, और थर्ड फ्लोर पे यहाँ है सिनेपोलिस, तो यहाँ पे आप अपनी पसंदीदा मूवी देख सकते हैं। आगे एक्सप्लोर करते हैं, मेरे को तो अभी मूवी देखनी नहीं है, आगे दिखाना है आपको। भाई मैं अभी आ चुका हूँ वेनिस मॉल के फोर्थ फ्लोर पर, जो कि है कम्प्लीटली एक्टिविटी जोन, गेमिंग जोन, और यहाँ पर फूड कोर्ट भी है। तो जो आप मेरे पीछे वाला एरिया देख रहे हो वहाँ पर एक्टिविटी प्लस फूड कोर्ट है, वो एरिया दिखाऊंगा बाद में। उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा जो यहाँ का फोर्थ फ्लोर का जो एक तरफ वाला पार्ट है, यानी कि वो कम्प्लीटली गेमिंग और प्ले जोन है, तो वो पार्ट है ये। और इस पार्ट में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये जोन दिखाता हूँ पूरा, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का है। बाकी इस तरफ क्या क्या रहने वाला है ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 7D, तो ये कुछ थिएटर है इस तरह का, एशियाज़ बेस्ट 7 राइड इस तरह का है। बाकी यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाएगा ये है हाउस ऑफ डेड, ये एक हॉन्टेड हाउस है, तो आप यहाँ भी जा सकते हो। और साथ में यहाँ पे अंदर जाके एक स्नो वर्ल्ड, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो, मज़ा कर सकते हैं बच्चे। तो ये एक्टिविटी जोन है यहाँ का, गेमिंग सेक्शन लगाए हुए हैं यहाँ पे, आप इस तरह से सीट पे बैठ के यहाँ पे इस कार को ड्राइव कर सकते हैं। राइड है, मैं पूछ के बताता हूँ कितने का है। मैडम ये कितने का रहता है ये राइड? 70 रुपये। तो एक राइड का अगर आपको गेम का एक चांस लेना तो 70 रुपये का करीब कुछ का लग जाएगा आपको। बाकी इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप अपना सीट लगा के, निशान लगा के देख सकते हो आप इस तरह से।
बाकी ये पूरा गेमिंग जोन है यहाँ पे बच्चों का, और ये बाइक राइड वाला गेमिंग जोन है, इस पर बैठ के आप बाइक वगैरह राइड कर सकते हो। ये इस तरह से कुछ कैरम बोर्ड है, और यहाँ पे कुछ बास्केटबॉल का ऐसे फेंको के कुछ ऊपर नीचे जाएगी बॉल, बॉलिंग वगैरह लेके यहाँ से वहाँ आपको फेंकना है तो वो गिरेगी, ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो ये है यहाँ का गेमिंग जोन और प्ले जोन जो मैंने आपको दिखाया। तो अभी पीछे वाला एरिया आपको दिखाई दिया है, और जो बाकी बचा हुआ एरिया था ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये मस्ती जोन है आपका, ट्रैम्पोलिन पार्क, और इस तरह से एक राइड ये है आपकी, यहाँ पे आप ये ले सकते हो, पूरा वर्चुअल राइड है ये, आपके आँखों पे कैमरा लगा दिया जाएगा। और ये है यहाँ का ट्रैम्पोलिन। बाकी मैं मोटा मोटा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ क्या रहता है। ये देखिए टिकट प्राइस वगैरह आप यहाँ से देख लीजिए क्या क्या रहने वाला है। एक ये है यहाँ का स्काई वॉक, ये भी वर्चुअल है पूरा, आपके आँखों पे चश्मा लगा दिया जाएगा और आपको कुछ दिखाई देगा। बाकी ये यहाँ का ट्रैम्पोलिन जोन है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह है जो आप कर सकते हो, और इधर से आगे पूरा एक्टिविटी जोन है ट्रैम्पोलिन का। बाकी उस तरफ में इसके पीछे में पब्लिक आज काफ़ी आई हुई है क्योंकि संडे है, आज देख सकते हो आप, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब आए हुए हैं। ये था ट्रैम्पोलिन, और इधर जाके आपका सारा फूड कोर्ट एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो कितना बड़ा फूड कोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं। ये देखिए बैठने का कितना बड़ा स्पेस है। तो यहाँ पे आपको हल्दीराम मिल जाएगा और अहमद मिल जाएगा, राजभोग है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बिरयानीज, और अमरसानी एक्सप्रेस, अमृतसरी एक्सप्रेस है, और बर्गर किंग आपको मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। बाकी और दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे है खाने में। ये देखिए काफ़ी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ग्रिल इन मिल जाएगा, वेंगो मिल जाएगा, बैठने का ऑप्शन काफ़ी है यहाँ पे। ये देखिए द बर्गर क्लब है, डोमिनोज है, बैठने का ऑप्शन दोनों तरफ दिया गया है, इधर भी दिया गया है बैठने का ऑप्शन और इधर भी दिया गया है। बाकी पांडा स्ट्रीट है, और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मोती महल डीलक्स है, चिकागो है, बाकी सबवे है वहाँ पे, करीम्स है, तो काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो ये दिखाया मैंने आपको द ग्रैंड वेनिस मॉल में फूड कोर्ट में कौन कौन से ऑप्शन रहने वाले हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया है ये, तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम ना आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, यानी कि जो नाव वाली जो राइड है, गंडोला राइड बोलते हैं, उसका जो हमें प्राइस लगा थोड़ा सा ओवर लगा, बताओ अपना। अब उसमें क्या है, 400 पर पर्सन प्राइस है, ठीक है, और हमने अभी एंड में जाते जाते एक चीज़ और देखी, मैं सोच रहा था पूरा राउंड जाके देन फिर वापस आ गए, बट ऐसा नहीं है, स्मॉल के ना दो पार्टीशन करे हुए हैं, इधर से इधर जाने के बाद एक गंडोला राइड है, फिर इधर से इधर जाने के बाद, तो इस मॉल के अंदर दो है। जिसमें कि 400 मेरे को थोड़ा सा पर्सनली ओवर प्राइस लगा, सही बताऊँ, और 400 आपका वीकेंड पे, जैसे कि आपको वीडियो में बताया 300 आपका वीकडेज में, तो थोड़ा सा ना ओवर लगा। बाकी अगर यहाँ की हम बात करें शॉपिंग वगैरह की, दो फ्लोर पर शॉपिंग है ग्राउंड पे और फर्स्ट पे। खाने पीने की अगर हम बात करें तो ग्राउंड पे थोड़ा बहुत एक दो दुकान में आपको मिल जाएगी, बाकी जो मेन फूड कोर्ट है वो आपको फोर्थ फ्लोर पे मिलेगा। मतलब एटमॉस्फेयर कैसा लगा? एटमॉस्फेयर ठीक है, आप आ सकते हो फैमिली के साथ, कोई नहीं, बस थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगा कि जो इसका थर्ड फ्लोर है वो थोड़ा सा वहाँ पे ना कुछ शॉप्स वगैरह नहीं है, ऑलमोस्ट खाली है, तो वहाँ पे कपल वगैरह रहते हैं, तो वहाँ जाना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कपल वगैरह कुछ उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर यह है कि थोड़ा सा खाली एरिया है तो खड़े रहते हैं लोग, तो थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है, बाकी सब एकदम ओवरऑल अच्छा लगा। आप भी आइए, एंजॉय करिए यहाँ पे, और बढ़िया है, घूमते रहो। हाँ, बाकी गंडोला राइड आप भी करिए, आप भी बताइएगा अपना एक्सपीरियंस महंगा लगा सस्ता लगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज हम आए थे एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं, मज़ा आ जाता है इधर से उधर जाते हैं। हाँ, और पीछे पीछे भागेंगे हम लोग, बिल्कुल वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो ब्लॉग कैसा रहा, सभी चीज़ें इसमें हमने दिखाई है,
अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं आया था एक दोस्त के साथ में, बताओ अपने बारे में। मेरा नाम है अभिषेक आनंद और मेरे चैनल का नाम भी अभिषेक आनंद है और मैं अभी कोशिश करता हूँ ट्रैवल ब्लॉग बनाने की। ये भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल को भी सर्च करके देख सकते हो, अभिषेक आनंद ट्रैवल ब्लॉग करके आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, बाकी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इनका चैनल, ये देख लीजिए यहाँ से, और वहाँ पे भी जाके आप इनको भी सब्सक्राइब करिए। और बाकी भाई के चैनल पर आप जाओ, देन एक काम करना छोटा सा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जिस भी एक अच्छे दोस्त को लगता है कि आप उसे शेयर कर सकते हो और उसके एक काम की वीडियो, तो एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। अगर बिल्कुल, आपको बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगती है तो बस एक दोस्त के साथ करना है तो प्लीज़ शेयर करना। बिल्कुल, दोनों चैनल पे कर देना ये काम। और मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, हमें घंटे हो गए यहाँ पे बनाते हैं, तो प्लीज़ यार शेयर जरूर करना अगर आपको लगता है वैल्यूएबल अच्छा लगता है, फिर और भी नई नई वीडियो बनाने का दिल करता है। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बाय नहीं करना था यार अभी, बाय नहीं करना। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं, जय हिंद, जय भारत।